नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष डोगरा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो दोस्तों, ये बथुआ है। तो आज हम बथुए की हार्वेस्टिंग करेंगे। ये दोस्तों मैंने लगाया नहीं है, ये अपने आप ही हो गया कंटेनर में। बाथू बोलते हैं हम लोग, तो बाथू बोलते हैं। तो आज इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। ये बाथू भी दोस्तों एक पत्तेदार सब्जी है। ये बाथू का साग ज़्यादातर सर्दियों में खाया जाता है। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है दोस्तों, बाथू का साग। ये बाथू का साग दोस्तों ज़रूर खाना चाहिए, ये पोषक तत्व का खजाना है। इसकी सब्जी में दोस्तों फाइबर बहुत होता है, ये पेट की कई बीमारियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये कब्ज भी दूर करता है। मैंने ऊपर ऊपर से ही तोड़ा है, ये और निकल आएगा, जड़ से नहीं निकाला है। ये दोस्तों जगह जगह मेरे कंटेनर में लगा हुआ है, ये खुद ही हो गया। ये देखिए इधर भी, इधर भी लगा हुआ है। मेरे को जहाँ भी दिखा इसका पौधा मैंने निकाला नहीं। यही सोच के कि बड़ा होगा तो फिर इसको हार्वेस्टिंग करेंगे। बथुए से दोस्तों मोटापा भी कम होता है बथुआ खाने से। इसको सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए। एक एक प्लांट लगा हुआ है सब जगह से, आज तोड़ लूँगी थोड़ा थोड़ा जितना भी है। बथुआ जो है ये लीवर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये दोस्तों किडनी में अगर पथरी हो तो उसको भी निकालने में बहुत फ़ायदा करता है। बथुआ खाने से पथरी निकल जाती है, स्टोन। बथुआ जो है दोस्तों, बथुआ खाने से ये लंबे समय तक पेट को हरा भरा महसूस कराता है, मतलब अच्छा महसूस कराता है।
इसके अब सीड्स भी बनने लग गए हैं। ये नीम का प्लांट है, ये देखिए, ये उसके बीच ये नीम के कंटेनर में हो गया है। बथुए के साग से दोस्तों बहुत सारी डिश बनती है। बथुए का पराठा बनता है, बथुए की सब्जी बनती है, बथुए का रायता बनता है, बथुए की पूड़ी बनती है। ये देखिए इतना सारा निकल आया दोस्तों आज की हार्वेस्टिंग में। ये देखिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में।